हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरा इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक दैट इज पॉलीमर। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के अकॉर्डिंग और एडवांस के अकॉर्डिंग। इसमें कंपलसरी एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। नाउ व्हाट इज पॉलीमर? ये अब देख, तो पॉलीमर में होता क्या, जैसे देखिए पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर्स का मतलब क्या है, तो इसमें मेनी, पॉली का मतलब मेनी और मर का मतलब यूनिट्स और पार्ट्स। ओके, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसी को बोला जाता है पॉलीमर्स। अब जैसे पॉलीमर्स बनता है, देखो कैसे, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, यहाँ पे एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स कितने हो सकते, 100 to 1000 ऑफ मोनोमर यूनिट्स। इसको हम करेंगे इसका करेंगे पॉलीमराइजेशन एट हाई टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हमें क्या मिलता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज लार्ज चेन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, इज कॉल्ड एज पॉलीमर। इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। ये क्या होता है आपका, पॉलीमर। इसी को हमें बोलना होता है पॉलीमर। ओके, नाउ पॉलीमर्स को दो टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो पहला इसमें आता है होमोपॉलीमर और दूसरा इसमें आता है कोपॉलीमर। ओके, व्हाट इज होमोपॉलीमर, व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाई सेम मोनोमर यूनिट्स। ऐसे पॉलीमर जो सेम मोनोमर यूनिट से बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीथीन का मोनोमर यूनिट क्या हो गया, ये इथिन है ना, ये क्या रहेगा, इथिन। इथिन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन, इथिन क्या रहेगा, मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन। ओके, नाउ पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी तो एक पॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या, किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से। इसका मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। ओके, इसका विनाइल क्लोराइड देखो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl हो गया आपका विनाइल क्लोराइड, तो इससे क्या बनता है आपका पॉलीमर। नाइलॉन 6 दैट इज कॉल्ड एज पॉलीअमाइड, ये भी एक होमोपॉलीमर है, नाइलॉन 6। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर्स देखो क्या होता है, व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ऐसे पॉलीमर्स जो वन और टू और मोर टाइप के मोनोमर यूनिट से बनते हैं, जैसे नाइलॉन 6 6, जो नाइलॉन 6 6 होता है, ये बनता है एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ये किससे बनता है, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन से, ये बनता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन से। ओके, ओके, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन। नाउ नेक्स्ट, अगेन पॉलीमर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर सोर्स। अब किससे किससे जो पॉलीमर्स मिलते हैं ना, उसके सोर्स से हम बता सकते हैं पॉलीमर्स के टाइप्स। बेस्ड ऑन सोर्स पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, थर्ड आता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर में दो आते हैं, प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर के एग्जांपल क्या होता है, कॉटन, स्टार्च एंड सेलुलोज। एनिमल पॉलीमर में क्या होता है, सिल्क, वूल एक्सेट्रा। जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं उसको नेचुरल पॉलीमर्स बोलेंगे, जैसे प्लांट पॉलीमर्स, कॉटन, स्टार्च, सेलुलोज, एनिमल पॉलीमर, सिल्क एंड वूल। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, अब ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो नेचुरल पॉलीमर्स रहेंगे उसको केमिकल के साथ ट्रीट करके मॉडिफाइड किया जाता है। पॉलीमर विच आर मॉडिफाइड बाई यूजिंग केमिकल्स इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे सेलुलोज, सेलुलोज को अगर एसिटेट साथ हम ट्रीट करते तो हमें मिलता है सेलुलोज एसिटेट, और ये क्या होता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये क्या रहेगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नाउ नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी आता है सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये पॉलीमर टोटली बनते हैं केमिकल से, इसमें कोई नेचुरल थिंग नहीं होती, इसमें क्या बनता है, ओनली केमिकल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल दैट इज पैन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 6, ये सारे पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, जो मैनमेड पॉलीमर्स है उसको मैनमेड पॉलीमर्स भी बोल सकते हो। ओके, दिस आर द मैनमेड पॉलीमर्स। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, अब पॉलीमर को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमर अगेन। पहला होता है आपका लीनियर पॉलीमर, फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलीमर। दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और इसी को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल पॉलीमर। ओके, इसी को क्या बोला जाएगा, 3D पॉलीमर्स। अब इसके देखो डेफिनेशन क्या आता है लीनियर पॉलीमर्स का,
ये क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसका एग्जांपल देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, पॉलिस्टर करके एक आता है, नायलॉन भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, नायलॉन का भी एक एग्जांपल होता है। ब्रांच चेन पॉलीमर, अभी ऐसे पॉलीमर्स है जिसमें ब्रांच होती है, जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE इज कॉल्ड एज लो डेंसिटी पॉलीथीन। उसमें एक एग्जांपल आता है ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन, ये सारे क्या होते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, ये अमाइलोपेक्टिन स्टार्च बनाने के लिए हमें दिया जाता है, इससे स्टार्च बनता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अमाइलोपेक्टिन से क्या बनता है स्टार्च। नाउ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर, इसमें पहला आता है बेकेलेट, फर्स्ट पॉलीमर इज बेकेलेट, बेकेलेट भी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। ओके, फर्स्ट पॉलीमर क्या है आपका, बेकेलेट, यहाँ पे हमें यूज करना है बेकेलेट। दूसरा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, है ना, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये इंपॉर्टेंट, इस पे जेई पे क्वेश्चन आ चुका है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ज्यादा जनरल क्लासिफिकेशन पॉलीमर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, नो बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है यहाँ पे बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसमें तीन आते हैं, पहला आता है आपका इलास्टोमर, फर्स्ट इज इलास्टोमर, सेकेंड रहेगा आपका फाइबर्स, और थर्ड है आपका थर्मोप्लास्टिक, और एक इसमें रहेगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, चार टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। तो इसमें पहला आता है इलास्टोमर, इलास्टोमर में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन पॉलीमर चेन्स आर वीक, जैसे रबर, वल्कनाइज रबर, बुनाइस, बुनाइस भी क्या होता है रबर का ही टाइप है, बुनाइस इज कॉल्ड एस बी आर रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। नाउ नेक्स्ट फाइबर्स, देखो फाइबर्स में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, फाइबर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलिस्टर आता है और डेक्रॉन आता है, जर कॉल्ड एज फाइबर्स। थर्मोप्लास्टिक, जैसे पॉलिथीन हो गया, पीवीसी हो गया, इसका डेफिनेशन देखो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का एक प्रॉपर्टी होता है, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड रिगेन देयर शेप ऑन कूलिंग, मतलब हीट करने के बाद उनका शेप चेंज हो जाता है, सॉफ्ट होते बिल्कुल, और उसको अगर हम कूल करते हैं ना वो अपने शेप पे वापस आ जाते हैं, जैसे पीवीसी पाइप, जैसे एक पाइप को दूसरे पाइप में फिट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम, आपने कभी किया होगा, एक पाइप को अगर दूसरे पाइप में फिट करना है तो हम क्या करते हैं, एक पाइप को हीट करते हैं, उसका थोड़ा सा शेप बढ़ जाता है और दूसरा पाइप उसमें फिट किया जाता है, फिट करने के बाद थोड़ा कूलिंग के बाद वो वहां पे प्रॉपर पैकिंग बन जाता है, तो ये होता है थर्मो प्लास्टिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अब ये ऐसे प्लास्टिक है एक बार सेट हो गए तो इसका शेप बिल्कुल चेंज नहीं होता, जैसे देखो ऑन हीटिंग बिकम रिजिड एंड हार्ड, जब इसको हीट करते जाएंगे ना ये रिजिड और हार्ड बनते जाएंगे, कूलिंग के बाद इसका वापस शेप नहीं आता, ये क्या होता है आपके थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे बेकलेट, इसका एग्जांपल क्या होगा, बेकलेट है ना, बेकलेट, बेकलेट से क्या बनता है, जो घर पे जो होता है ना इलेक्ट्रिकल स्विचेस, बोर्ड्स, ये किससे बनते हैं, बेकलेट, उसको अगर हम एक बार हीट करेंगे ना, एक बार उसका शेप चेंज हो गया, फिर से वापस शेप में नहीं आता, ऐसे पॉलीमर्स को बोला जाता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, पहला आता है आपका एडिशन पॉलीमर, पहला क्या होता है आपका एडिशन पॉलीमर, और दूसरा क्या होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर में देखो क्या होता है, विच आर ऑब्टेन बाय सिंपल एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, सिंपल एडिशन होता है, जैसे पॉलीथीन एक एग्जाम्पल, इसका नियोप्रिन करके भी एग्जाम्पल है। अब देखो पॉलीथीन बनता है कैसे, ये एक यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे भी इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे या लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स लिए जाएंगे, इसको जब ऐड करेंगे ना हमें क्या मिलता है, पॉलीथीन, और यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, ये पॉली पॉलीमेरिक चेन बन गया। और नेक्स्ट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, विच आर ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स विथ दिस लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया एक्सेट्रा। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिसको हम जब बनाते हैं उसमें से वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया मॉलिक्यूल या अल्कोहल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है,
ओके okay? इसके एग्जांपल्स कुछ देखो, जस्ट मिनट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉलीमर्स की टाइप। पहला टाइप आता है एडिशन पॉलीमर। ओके, एडिशन पॉलीमर में एक एग्जांपल है पॉलीथीन। यहाँ पर एग्जांपल क्या रहेगा आपको, पॉलीथीन। पॉलीथिन्स के दो टाइप्स होते हैं, पॉलीथिन्स के यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। देखो पहला पहला होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, दैट इज LDPE, और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दैट इज HDPE। ये क्या होता है आपका, HDPE पॉलीथीन। ओके, नाउ व्हाट इज LDPE, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये बनता कैसे, देखो इट इज ऑप्टेन, देखो यहाँ पे इट इज ऑप्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर, दैट इज 1000 टू 2000 एटमोस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर 350 टू 570 केल्विन। इतने ज्यादा प्रेशर और इतने ज्यादा टेम्परेचर पे आपको रिएक्शन करनी होती, तब जाके बनता है आपका पॉलीथीन, तब जाके क्या बनता है, पॉलीथीन। ओके, नाउ देखो पॉलीथीन देखो बनता है कैसे है। जैसे आपको दिया ये इथीन, ये इसका मोनोमर यूनिट होता है इथीन, इसके लार्ज नंबर ऑफ, इसके मोर नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे, इसको पॉलीमराइज करेंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1000 टू 2000 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर, तब जाके ये क्या होता है, पॉलीमराइज। पॉलीमराइज होने के बाद देखो ये पॉलीमराइज होता कैसे है, बस आपके पास जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट, ये बॉन्ड यहाँ पे दे देना, इसको पॉलीमराइज कर देना। पॉलीमराइज करने के बाद कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, मैं इसको बोलूंगा पॉलीथीन और इसको एन लगा दूंगा। एन का मतलब ये रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ पे बनते जाएंगे। और इसका डेंसिटी देखो क्या होता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन इसका 0.93 या 0.95 का डेंसिटी होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट पॉलीथीन जो आता है हमारा, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखो इसमें हम कैसे बनाते हैं इसको, वही इथिन लेना है लार, इसके मोर नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसका यूज, इसको पॉलीमराइज करेंगे इन प्रिंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, दैट इज टाइटेनियम Cl4 एल्यूमिनियम Cl5 होल थ्राइस। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर से हमें जो पॉलीथीन मिलेगा उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बस एक ही डिफरेंस है, इसका डेंसिटी 0.97 हो जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे 0.2 से डेंसिटी बढ़ गया, समझ लो 0.95 उसका था लो डेंसिटी का, और इसका हाई का क्या है 0.97। तो इसको यूज किया जाता है टॉयज वगैरह प्रिपरेशन में या बकेट्स वगैरह बनाने में, इसको यूज किया जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन को। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसका टेफ्लॉन। आपके सामने जो नेक्स्ट एग्जांपल है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन सबको पता है टेफ्लॉन क्या होता है, कैसे बनता है टेफ्लॉन, करेक्ट। टेफ्लॉन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, ये होता है आपका टेफ्लॉन। ओके, अब इसको अगर प्रिपेयर करना है तो इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, ये टेट्रा फ्लोरो इथीन इज मोनोमर, टेट्रा फ्लोरो क्या रहेगा आपका, टेट्रा फ्लोरो इथीन इज मोनोमर यूनिट, इसका मोनोमर यूनिट क्या है, टेट्रा फ्लोरो इथीन। ओके, इसको पॉलीमराइज करेंगे हाई प्रेशर पे तो हमें मिलता है टेफ्लॉन, ये मिला आपको टेफ्लॉन। ओके, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। अब देखो इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ ऑयल सील्स, नॉन स्टिक सर्फेसेस और कोटेड यूटेंसिल्स। जैसे आता है ना नॉन स्टिक के कुकिंग पैंस, आजकल वो कार वगैरह और बाइक वगैरह को टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है कि स्क्रैच वगैरह ना आए। ओके, नेक्स्ट थर्ड आता है आपका पैन, दैट इज पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पैन को क्या बोला जाता है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं ये पैन का मोनोमर यूनिट होगा क्या, इसका मोनोमर यूनिट है एक्रिलो नाइट्राइल। एक्रिलो नाइट्राइल के लार्ज नंबर लेंगे या मोर नंबर लेंगे, एन नंबर, इसको पॉलीमराइज करेंगे परोक्साइड और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट मिलता है आपको पैन। तो ये हो जाएगा आपका पैन पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ओके, ये हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स, क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन जो है ना, अभी वैजाग गैस ट्रेजेडी हुआ था लास्ट कुछ महीनों पहले, तो उसमें स्टायरीन गैस रिलीज हुआ था, वो पॉइजनस गैस हुआ था उसमें से, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। नाउ पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन के बाद देखो क्या होता है, ये बनता है कैसे, इसका जो मोनोमर यूनिट है स्टायरीन होता है, PHCH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं स्टायरीन। तो इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना, तो PH का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन को CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दो, ये होता है आपका स्टायरीन। ओके,
ये कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टायरिन। पीएच को मैं फिनाइल लिख सकता हूँ, पीएच। इसको पॉलीमराइज करेंगे, पॉलीमराइज करने के बाद आपको मिलता है पॉलीस्टायरिन। इट इज अ ट्रांसपेरेंट, ओके, यूज्ड इन मेकिंग टॉयज एंड रेडियो टीवी कैबिनेट्स, है ना। ये पॉइजनस होने के कारण क्या होता है, जो टॉयज में ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता। टॉयज जनरली क्या होते हैं, स्टायरिन और बीपीए फ्री आ जाते हैं। ओके, अभी जो छोटे छोटे बच्चों के टॉयज आते हैं ना, वो स्टायरिन और बीपीए फ्री आते हैं। उसमें से अगर उसको फिर अगर कोई किसी ने अगर उसको इंटेक कर ले तो पॉइजनस केस हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, पीएमएमए, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट करके एक पॉलीमर होता है। ओके, तो ये भी एक सिंपल एडिशन पॉलीमर होता है। देखो सब लोग आ गए। चलो, हमने पढ़ना पढ़ा था यहाँ पे पीएमएमए, दैट इज पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट। अब ये क्या होता है, ये जो आपका मोनोमर, ये क्या होता है, मिथाइल मिथ एक्रिलेट। ये कैसे है, मिथाइल मिथ एक्रिलेट, ये क्या होगा आपका मिथाइल मिथ एक्रिलेट। ये आपका मोनोमर, ये क्या होगा आपका मोनोमर। इसको मैंने किया पॉलीमराइज, जब इसको पॉलीमराइज करेंगे तो बस आपको डबल बॉन्ड यहां से रिमूव करना है। डबल बॉन्ड रिमूव कर दो, एमई का मतलब मिथाइल होता है, एमई का मतलब क्या होता है, मिथाइल, और यहाँ पे रहेगा आपका COOME। बस इसको पॉलीमराइज कर दो। इसको क्या करना है आपको, पॉलीमराइज, इसको जब आप पॉलीमराइज करोगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा आपको N, तो ये होता है आपका पीएमएमए। ये क्या रहेगा, पीएमएमए, ये हो गया आपका पॉलीमर। अब देखो इसका यूज क्या होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। इसका यूज देखो, इसका यूजेस है, पहला यूज आता है इसका, ये देखो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, ऑप्टिकल लेंसेस में इसको यूज किया जाता है। तो इसका यूज क्या, यूज इन हाई ऑप्टिकल, क्लैरिटी होता है इसका, क्या होता है, हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी, प्रिपरेशन में, हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी और लेंसेस प्रिपरेशन में, क्लैरिटी लेंसेस प्रिपेयर में, प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इसको यूज किया जाता है लाइट कवर्स में, है ना, टू मेक, फॉर मेकिंग लाइट कवर्स, लाइट कवर्स। उसके बाद एयरक्राफ्ट विंडोज बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट विंडो, ये याद रखना, एयरक्राफ्ट विंडोज बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एयरक्राफ्ट विंडोज। प्लास्टिक ज्वेलरी जो होता है ना, प्लास्टिक ज्वेलरी, इससे बनाया जाता है। ओके, ये हो गया आपका पीएमएमए का यूज, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट। ये एक पॉलीमर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट विंडोज बना सकते हैं, प्लास्टिक ज्वेलरी बना सकते हैं, हाई ऑप्टिकल क्लियरिटी लेंसेज बना सकते हैं, लाइट कवर्स बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबको आवाज आ रहा है, सब ठीक है, प्रथमेश, नीरज, किरण, उसके बाद सोफिया, एलिना, सुजल, किरण, ठीक है, सबको आवाज आ रही है ना। ओके, हाँ, गुड। नाउ नेक्स्ट, सिक्स टाइप का पॉलीमर आता है, पीवीसी, जो हमारा रेगुलर हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पीवीसी पाइप्स जो आते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट, सिक्स्थ जो है आपका पीवीसी, दैट इज पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी इज कॉल्ड एज पॉली विनाइल क्लोराइड। अब देखो ये कैसे बनता है, आपको चाहिए विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये होता है आपका विनाइल क्लोराइड। इस मॉलिक्यूल को बोला जाएगा विनाइल क्लोराइड, इसका लेंगे एन नंबर, इसको करेंगे पॉलीमराइज, इसका करो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बस डबल बॉन्ड को हटा देना है, सीएल वहीं पर रहेगा और इसको एन नंबर लगा दो, ये रहेगा आपका पीवीसी, ये रहेगा आपका पीवीसी। और इसका यूज कहाँ पे होगा, यूजेस देखो, सिंपल यूजेस है, फॉर मेकिंग रेनकोट्स, अभी बारिश का मौसम है तो इससे रेनकोट भी बना सकते हो, फॉर मेकिंग रेनकोट्स, है ना, सबके पास झील का नेट रेनकोट होगा ना, झील, पीवीसी पाइप्स बना सकते हैं फॉर मेकिंग रेनकोट,
पाइप्स, पाइप्स बना सकते हैं, इससे डॉल्स बनता है, शॉवर कर्टन्स भी बनते हैं, शॉवर कर्टन्स। शू सोल्स, और वायर्स भी बनते हैं इसके, वायर्स भी बनते हैं, वायर्स एक्सेट्रा। तो पीवीसी से हम इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, इसको कॉपी कर लो। यस, पीवीसी पाइप्स इससे ही बनते हैं। ओके, ये क्या हो गया आपके? नॉर्मल एडिशन पॉलीमर। ओके, कॉपी कर लिया। नाउ नेक्स्ट, तो ये हो गया आपके सिंपल एडिशन पॉलीमर्स। नाउ नेक्स्ट, हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, आपका कुछ में अलग टाइप के आपको पॉलीमर्स देने जा रहा हूँ। अलग टाइप के हम यहाँ पे पॉलीमर्स पढ़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ को पॉलीमर्स, को पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स। को पॉलीमर्स, को पॉलीमर्स का मतलब ऐसे पॉलीमर जो मोर देन वन यूनिट से बने होते हैं, डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे इसका डिफरेंट, पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन बाय, पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन बाय डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स, डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स। अब देखो, इसमें पहला आता है, पहला इसमें आता है बुना एस, बुना एस। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बुना एस, और इसका नाम होता है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन स्टायरिन पॉलीमर। ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर भी बोला जाता है, पॉलीमर स्टायरिन रबर, ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर। अब देखो ये बनता कैसे है, ये देखो बन, इसको आप एसबीआर भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो? एसबीआर भी बोल सकते हो, स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर। एसबीआर का मतलब क्या होता है? एस क्या होता है आपका? स्टायरिन। बी क्या रहेगा? ब्यूटाडाइन। और आर क्या होगा आपका? रबर, स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर। अब देखो नाम में ये आपको एक ब्यूटाडाइन चाहिए और एक स्टायरिन चाहिए, दो टाइप के मोनोमर चाहिए। अब देखो स्टायरिन होता क्या है, सबको पता है स्टायरिन क्या है? पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये आपका स्टायरिन है। स्टायरिन के नंबर मोल लेना है, प्लस ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन क्या होता है आपका? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये होगा आपका ब्यूटाडाइन। करेक्ट, ये क्या आपका? ब्यूटाडाइन। अब ये भी इसका एन नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। अब देखो करना क्या है, अब इसको करना है पॉलीमराइज। देखो प्रोडक्ट कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगा दो, ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा और ये डबल बॉन्ड आगे निकल जाएगा। देखो प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो पी एच सी एच, यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड ले दो, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड सी एच टू, फिर यहाँ पे सी एच टू सी एच, इधर डबल बॉन्ड आएगा, आएगा ना डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे सी एच टू, इसको एन टाइम्स कर दो, तो ये हो गया आपका बुना एस। ये क्या बन जाएगा? बुना एस, ये रहेगा आपका बुना एस। मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते गए, शिफ्ट करते गए, डबल बॉन्ड को बस आगे शिफ्ट करते जाओ। ओके, तो ये हो गया आपका भुना एस। अब देखो इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका यूजेस सिंपल यूज है,
टायर्स का जो रबर वगैरह बनता है इससे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स। वाटरप्रूफ शूज, शूज, रबर सोल्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, रबर सोल्स एक्सेट्रा, रबर सोल्स एक्सेट्रा। ओके, ये हो गया आपका बुना एस। इसको कॉपी करो। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड को पॉलीमर बुना एन। बुना एन ये रबर का ही टाइप है। बुना एन देखो क्या होता है, बी का बुना का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन करेक्ट, बुना का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन। और यहाँ पे एक्रिलो नाइट्राइल रबर, एक्रिलो नाइट्राइल रबर, इसको हम एनबीआर बोलेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनबीआर रबर। एन का मतलब नाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, बी का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन, और ये जो आपका आर क्या रहेगा, रबर। तो इसको एनबीआर रबर भी बोल सकते हो सिंपली। इसको क्या बोलना है, एनबीआर रबर। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। नो, देखो अब होता गया नेक्स्ट। अब इसका रिएक्शन देखो क्या होगा, इसका जो मोनोमर क्या रहेगा, पहले तो हमें चाहिए ब्यूटाडाइन चाहिए और आपका एक्रिलोनाइट्राइल चाहिए ना। अब देखो कैसे होगा ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल का रिएक्शन। एक्रिलोनाइट्राइल ये होगा आपका CHCN, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका एक्रिलोनाइट्राइल। इसको N ले लो, ये रहेगा आपका N नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे ब्यूटाडाइन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या रहेगा आपका ब्यूटाडाइन, 1.4 ब्यूटाडाइन है। इसका N नंबर ऑफ ले लेंगे। अब देखो क्या होगा, क्या करना, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड आगे ले लो और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। बस इसका यहाँ पे नॉर्मली क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन। अब देखो क्या करना है, जब पॉलीमराइज हुआ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा CH, यहाँ पे CN, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसको N लगा दो। N का मतलब N नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या बन जाएगा आपका, बुना N, ये रहेगा आपका बुना N। ओके, ये आपका बुना N। इसको कॉपी कर लो। अब इसका यूजेस, सिंपल यूजेस है इसका। अब देखो इसका यूजेस क्या होते हैं, जो फ्यूल टैंक वगैरह होते हैं ना, ये बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग फ्यूल टैंक्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग फ्यूल टैंक्स। इसको कॉपी कर लो। डन। नेक्स्ट पॉलीमर आता है, को पॉलीमर की बात करेंगे हम। आपका नेक्स्ट को पॉलीमर है डाइनल। नेक्स्ट को पॉलीमर है शायद थर्ड होगा ना, थर्ड इज डाइनल। डाइनल भी एक को पॉलीमर होता है। डाइनल को दूसरा नाम क्या होता है, इसको और हम बोल सकते हैं विनियोन, विनियोन N, इसका नाम क्या होता है, विनियोन N, दोनों नाम से हम इसको बोल सकते हैं, विनियोन N और डाइन N। ओके, अब देखो होता क्या एक्चुअल में,
अब देखो ये बनाते कैसे, इसका जो मोनोमर क्या रहेगा, देखो इसका मोनोमर रहेगा एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है बताओ, व्हाट इज एक्रिलोनाइट्राइल? CH2 डबल बॉन्ड CHCN, करेक्ट? ये ऐसा कुछ, ये एक्रिलोनाइट्राइल, इसको लिखेंगे हम एक्रिलोनाइट्राइल। प्लस इसका रिएक्शन करेंगे विनाइल क्लोराइड के साथ, इसका एन नंबर, इसका भी एन नंबर, विनाइल क्लोराइड क्या होगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये रहेगा विनाइल क्लोराइड। अब इन दोनों को करेंगे पॉलीमराइज, इनका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। अब पॉलीमराइजेशन होने के बाद देखो प्रोडक्ट क्या लिखना है आपको, सिंपल वही डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CN, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CL, यहाँ पे क्या रहेगा आपका CL, और इधर लॉन्ग चेन, यहाँ पे एन लगा दो। ये जो पॉलीमर, ये आपका क्या है? डायनल। ये क्या रहेगा आपका? डायनल एज ए पॉलीमर। ओके, ये होता है आपका को पॉलीमर, ये कुछ आपके को पॉलीमर हुए, इसको कॉपी कर लो। नो नेक्स्ट, कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर के मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर मीन्स ऐसे पॉलीमर जिससे सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, है ना, पॉलीमर्स, उससे सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया रिमूव होता है। कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर, करेक्ट? अब इसके कुछ पॉलीमर्स हम लेते हैं, पहला मैं यहाँ पे लेता हूँ टेरिलीन। पहला क्या आता है? टेरिलीन। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या होता है? डेक्रॉन, इसको आप डेक्रॉन भी बोल सकते हो, टेरिलीन और डेक्रॉन, टेरिलीन और डेक्रॉन। अब देखो ये बनता किससे, इसके लिए दो मोनोमर यूनिट चाहिए। पहला इसके पास होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, देखो OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ये जो है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल, ये मोनोमर है इसका इथिलीन ग्लाइकॉल। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मोनोमर यूज किया जाता है, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस एक हमें यूज करना होता है टेरेप्थेलिक एसिड, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड OH, ये जो मॉलिक्यूल इसका नाम होता है टेरेप्थेलिक एसिड, इसका नाम क्या है? टेरेप्थेलिक एसिड। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? कंडेंसेशन। देखो अब क्या करना है, कंडेंसेशन हो रहा है मतलब वाटर को रिमूव करना है ना, इसका भी एन नंबर ऑफ मोल्स ले लिया मैंने, इसका भी एन नंबर ऑफ मोल्स, इसका भी एन नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो हमें यहाँ से क्या करना है? वाटर को रिमूव करना है। अब चलिए वाटर को रिमूव करते हैं वहां से। अब आप क्या करो, वाटर को रिमूव करना है ना, तो वाटर को रिमूव कर दो, यहाँ से OH ले लो और यहाँ से H ले लो, कर दो रिमूव, है ना, -H2 चला गया, और यहाँ से ये वाला एच भी निकल, ये एन नंबर था ना, ये वाला एच भी निकलेगा और ये वाला OH भी निकलेगा, हमें सारा निकलना है क्योंकि कंटिन्यूस करना है ना चेन। यहाँ से एक वाटर जाएगा और यहाँ से ये वाला भी वाटर निकल जाएगा। अब देखो क्या बनता है पॉलीमर आपका, जो बचा उसको लिखो, यहाँ पे O बचेगा, CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये फिट नहीं हो पाएगा, ये पॉलीमर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसा बनता है ये, O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O, इसको बेंजीन रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ से OH निकाल लिया मैंने, तो ये बन गया आपका N, N लगा तो ये बन जाएगा आपका टेरिलीन, और टेरिलीन को क्या बोल देते हैं? डेक्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेक्रॉन। टेरिलीन को ही क्या बोलते हैं हम? डेक्रॉन। ओके, और यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर देना, वाटर रिमूव करना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा 425 केल्विन,
2475 केल्विन, इतना टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन हो जाता है, इस टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन हो जाएगा, ये रहेगा आपका टेरेलिन, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडेंसेशन कंटिन्यू करेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते, ओके फिर उसके अगले वाले लेक्चर में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, नॉर्मल इसमें कुछ नहीं, रिएक्शंस है आपको बस याद करने, बाय हार्ट करने रिएक्शंस, लर्निंग वाला पार्ट ही है, बट एक बार समझ लो कि कैसे कैसे हो रहा है, इसका जो वीडियो आपको मिल जाएगा, ओके एनी डाउट यहाँ पे, किसी को डाउट है बताओ, किसी को डाउट है यहाँ पे, क्लियर है, तो चलिए फिर स्टॉप करते हैं अभी के लिए, स्टॉप करते हैं, थैंक यू, कल फिर से मिलते हैं, कल सेम टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसको कल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ही चैप्टर बचा आपके कंडेंसेशन पॉलीमर और इसके एक दो मैकेनिज्म बचे, ओके तो आज के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू।